सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो केवाईटी बॉय, जहाँ पे आपको कश्मीरी यूट्यूबर्स की न्यूज़ देखने को मिलती है। आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला फहीम व्लॉग्स एंड अमनर के बारे में। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उनका जो है एक डिस्ट्रैक्ट आने वाला है फहीम व्लॉग्स का, जिसमें जो है रिप्ले करेंगे जो है अमनर को। तो अगर आपने वो नहीं देखा, उन्होंने आज रिलीज़ कर दिया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। उसमें जो है 10 मिनट्स में 1K व्यूज़ हो चुके थे, तो और उस पर जो है बहुत सारे डिसलाइक्स भी वगैरह भी आ रहे थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। बहुत सारे लोग उस पर डिसलाइक वगैरह कर रहे थे। तो आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। और हाँ, फहीम से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जो भी उन्होंने जो है अमनर के साथ व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, वो जो है उन्होंने सब प्राइवेट या डिलीट कर दिया। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि उनकी इस कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने जो है वो वाले व्लॉग जो है सब प्राइवेट या डिलीट कर दिए। तो गाइस, अगर अमनर इस पर कुछ भी इस सॉन्ग पर रिएक्ट करते हैं तो मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ ज़हरान फिल्म्स एंड अमनर के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में भी जो है कंट्रोवर्सी होकर रखी है, वो भी जो है एक दूसरे के साथ जो है फाइट हो गई थी उनकी। और वो जो है कल एजे वायरस जो अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और वहाँ पे जो है ज़हरान फिल्म्स भी उनको उस लाइव को देख रहे थे एंड अमनर भी उस लाइव को देख रहे थे। और उसके बाद जो है उनकी वहाँ पे जो भी फाइट थी वो सब खत्म हो गई। आप खुद ही देख लीजिए एक वीडियो क्लिप। अरे यार, तुम दोनों से हाथ जोड़ के अमनर और ज़हरान, तुम दोनों से बोलता हूँ भाई, चिल 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 सलाह तो छट रही है। और उसके बाद उन्होंने उसी लाइव स्ट्रीम में एक देखे, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि उन्होंने जो भी कहा कि हमारा जो है मसला सब कुछ खत्म हो गया। तो इनके बीच में जो भी था वो जो है खत्म हो चुका। तो आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि व्लॉगर्स की जो है कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत सारे व्लॉगर्स एक दूसरे को जो है गालियां दे रहे थे, और उस पर जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया है। सबसे पहले यावर वानी ने रिएक्ट करते हुए ये बोला, वीडियोज भी देखे मैंने, उसमें मैंने देखे इतनी गंदिया गालियां, इतनी चीप बातें कर रहे थे, और इतने छोटे बच्चे, मतलब बहुत ही मूड खराब हुआ। तो प्लीज़ जो भी ये कर रहा है प्लीज़ ऐसा मत करो। और भी कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्ट किया, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो। तो आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ ज़हीन व्लॉग्स एंड फहीम व्लॉग्स के बारे में। तो इनके बीच में भी एक कंट्रोवर्सी है। तो ज़हीन व्लॉग्स ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये पोस्ट किया, सुन भाई फहीम, ये गाली वाला पार्ट डिलीट कर और माफ़ी मांग, नहीं कर सकता तो ये वीडियो डिलीट कर, वो भी नहीं कर सकता तो ये वीडियो देख ले, फेसबुक में डाल के दिखाता हूँ तुझे एक्सप्लेन करके। फहीम व्लॉग्स ने जो है आज सॉन्ग निकाला था, उसमें जो है अमनर को गालियां दी थी, तो ये बोल रहा है कि उस पार्ट को या तो डिलीट करो या तो पूरे सॉन्ग को ही डिलीट करो, ऐसा कुछ नहीं तो ये जो है ये वाली वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस पे रिएक्ट करते हुए फहीम व्लॉग्स ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये कहा, तो गाइस इस बच्चे ने फिर से एक स्टोरी चढ़ाई है। जब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, शायद मैंने इंस्टा पे पोस्ट चढ़ाया था कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, ये उसी टाइम की बात है। पता नहीं इसने एक वीडियो कहाँ से लाया, बट जिसने भी इसको दिया है ना, ये गलत किया है भाई, ठीक है। और बाकी हैक करने की बात इसमें नहीं है, और मैं ज़हीन को बोल रहा हूँ, ये तूने चढ़ाया ना, चल अच्छा किया और चढ़ा, तेरे खिलाफ केस होगा। तो फहीम व्लॉग्स का कहना है कि अगर इसने ये कुछ और भी चढ़ाया तो मैं इसके खिलाफ जो है केस करूंगा। तो आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला आदि के व्लॉग्स के बारे में। तो इन्होंने जो है कल एक वीडियो अपलोड की थी अमनर को एक्सपोज करते हुए, तो उसके बाद जो है इन्होंने आज एक और वीडियो अपलोड कर दी। ये उन्होंने जो है अमनर को जो है एक्सपोज किया था, और अमनर की तरफ से जो है धमकियां आ रही है उनको, और वो जो है बोल रहे हैं, अमनर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो वाली वीडियो जो है डिलीट नहीं की तो मैं इनका जो है चैनल ही उड़ा दूंगा। तो आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आपको पता है मैंने कल एक्सपोज वाला वीडियो डाला एमनर के खिलाफ, एमनर ने शाम को कॉल किया और बोला मैं तेरे चैनल उड़ा दूंगा कल सुबह तक। तो गाइस आप और भी बोलो मैं क्या करूं। सो गाइस आप लोग इस बारे में भी क्या सोचते हो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। सो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कशीर टोकोर्स ने कंप्लीट कर लिया 1K सब्सक्राइबर्स, एंड यावर वानी ने कंप्लीट कर लिया 70K सब्सक्राइबर्स। सो बस यार आज के इस वीडियो में इतनी न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।